सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज जेरार्ड एंड यू आर वाचिंग जेरार्ड गोम। सो आज जो गाड़ी मेरे सामने है, दिस इज नन अदर देन द मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, द वन एंड ओनली उरुस फ्रॉम मारुति सुजुकी। सो दिस कार इज ब्रॉट टू यू बाय मारुति सुजुकी भंडारी ऑटोमोबाइल्स विच इज सिचुएटेड एट न्यू टाउन राजारहाट। सो अगर आपको ये शोरूम विजिट करना है एंड टू सी एनी ऑफ योर फेवरेट मारुति सुजुकी कार्स, नॉट ओनली दी अरीना कार्स बट ऑल्सो द नेक्सा, बिकॉज इसमें आपका नेक्सा और मारुति सुजुकी अरीना दोनों एक साथ है, यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस शोरूम। सो एंड यू कैन चेक आउट योर फेवरेट मारुति सुजुकी कार्स। सो आज जो मैं करूंगा गाइज, इस गाड़ी का मैं आज पूरा आपको एक वॉक अराउंड दे दूंगा, इसे एक्सटीरियर इंटीरियर और क्या क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। ये जो वेरियंट है गाइज, दिस इज एकदम टॉप ऑफ द लाइन VXI प्लस वेरियंट। सो सामने से शुरू करते हैं गाइज। सो एज यू ऑल नो द एस्प्रेसो इज समवॉट ऑफ अ क्रॉस ओवर, मतलब ये थोड़ा जैक्ड अप हैचबैक है। सो इन दिस सेगमेंट ऑफ हैचबैक्स, सो सामने से अगर मैं शुरू करूँ गाइज, देन सामने द लुक इज वेरी बोल्ड। ये जो आप सामने का जो ग्रिल देख सकते हो विद दिस स्लॉट्स ओवर हियर, दिस इज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द विटारा ब्रेजा। अभी तो नया ब्रेजा आ गया है बट दिस कार वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ओल्ड ब्रेजा। हेडलाइट अगर हम लोग देखेंगे गाइज, हेडलाइट आपको हैलोजन यूनिट मिलता है, आपका लो और हाई बीम दोनों ही हैलोजन है। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टर्न इंडिकेटर और पार्किंग लाइट आपको वहाँ पर मिलता है। नीचे आप यहाँ पर कोई फॉग लाइट नहीं मिलता है बट यू कैन इंस्टॉल द लाइक जो DRL आता है ना वो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। सामने एज यू कैन सी बहुत सारा आपको यहाँ पर ब्लैक फिनिशिंग मिलता है, मतलब ब्लैक क्लैडिंग मिलता है इस गाड़ी में, बिकॉज ये थोड़ा आपका SUV टाइप डिज़ाइन है। सो एज यू कैन सी थोड़ा हाई अप लगता है इसका फ्रंट बम्पर विच गिव्स इट अ गुड लुक। एस्प्रेसो लुक्स वेरी मतलब मस्क्यूलर ऑन द रोड, मतलब रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी का, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बॉनेट इसका जो है, बॉनेट इज़ वेरी फ्लैट, ज़्यादा आपको यहाँ पर क्रीस ये सब नहीं मिलता है। आपको सिर्फ एक विंडशील्ड यहाँ पर वॉशर का वो पाइप मिलता है, ओनली वन यू गेट नॉट टू। सो साइड में अगर हम लोग चले जाए गाइस, सो साइड में एज यू कैन सी यू गेट दिस ह्यूज व्हील क्लैडिंग। सो व्हील क्लैडिंग आपको मिलता है टू मतलब इंश्योर दैट दिस कार लुक्स लाइक अ मतलब जैक्ड अप हैचबैक। सो व्हील्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, यू गेट स्टील व्हील्स विथ व्हील कैप्स, अलॉय आप एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हो। और इसका जो प्रोफाइल है दैट इज 165/70 R14, सो 14 इंच टायर्स आपको मिलता है एंड सस्पेंशन ट्रेवल इज मोर देन एडिक्वेट फॉर इंडियन रोड्स, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। साइड में आपको यहाँ पर डोर में क्लैडिंग मिलता है और दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड इन दिस ग्रे कलर और ये टेक्सचर्ड फिनिश है, सो गिव्स इट अ गुड लुक। फेंडर में आपको मिल जाता है आपका टर्न इंडिकेटर्स और इसका जो मिरर्स है दैट इज़ फिनिश्ड इन बॉडी कलर। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स ऑफ द एस्प्रेसो गाइस, अगर आपको वो सेम लगता है देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, दिस ऑरेंज कलर। डोर हैंडल्स जो है वो आपका बॉडी कलर में है एंड यू गेट कन्वेंशनल डोर हैंडल्स, जो आपका पुल टाइप नहीं है। पीछे भी आपको व्हील क्लैडिंग मिलता है और पीछे की तरह अगर हम लोग चले जाए गाइस, देन पीछे द एस्प्रेसो ऑल्सो लुक्स वेरी माचो, क्योंकि इसमें आपको मतलब इसका जो रियर बम्पर है दैट इज ऑल्सो प्रिटी हाई, सो आपको एक मतलब SUV टाइप स्टांस पीछे से आपको लगता है। नीचे आप देख सकते हो यू गेट दिस ग्रे डिफ्यूजर टाइप ट्रीटमेंट, दो पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, एक यहाँ पर है और एक आपको यहाँ पर मिल जाता है। एस्प्रेसो का बैजिंग है, सुजुकी का बैजिंग है और यहाँ पर जो आपका जो बूट ओपनिंग है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, ये आपका नॉर्मल की होल है। और लाइट्स जो है, लाइट्स आपका हैलोजन सेटअप है, ये आपको LED फिनिश में नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको ये क्रोम लाइनिंग आपको मिल जाता है। और इस गाड़ी में पीछे आपको कोई रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको नहीं मिलेगा, यू ओनली गेट अ हाई माउंट स्टॉप लैम्प। अभी बूट ओपन करते हैं गाइस, सो बूट इज ओपन ओनली। सो पार्सल शेल्फ आप देख सकते हो नीचे रखा हुआ है बट द पार्सल शेल्फ इज प्रीटी वाइड ओनली, आप यहाँ पर चीजें रख सकते हो आराम से। यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता है, यू गेट बेंच टाइप सीट्स और आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आप बूट अगर हम लोग देखेंगे इट्स प्रीटी स्क्वेरिश, सो यहाँ पर आप दो बैग्स आराम से रख सकते हो, तो बूट वाइज वेरी प्रैक्टिकल, ज्यादा आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। एक चीज जो है गाइस, आपको लोडिंग लिप मिलता है क्योंकि इसका जो रियर बम्पर है थोड़ा मतलब जैक्ड अप है ऑब्वियसली, सो यहाँ पर आपको थोड़ा लोडिंग लिप आपको मिलेगा, दैट इज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, बट ओवरऑल बूट इज वेरी प्रैक्टिकल, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अभी बूट क्लोज करते हैं गाइस और पीछे की सीट पे हम लोग जाएंगे। रियर डोर अगर मैं ओपन करूं देन यहाँ पर यू गेट ब्लैक इंटीरियर्स, सिर्फ यहाँ पर आपको ये फिनिश मिल जाता है विच इज इन दिस सिल्की सिल्वर फिनिश। डोर हैंडल्स जो है दैट इज फिनिश्ड इन ब्लैक कलर। यहाँ पर आपको रोल टाइप विंडोज मिलेगा, ओनली द फ्रंट टू विंडोज गेट द पावर विंडो फंक्शन। यहाँ पर आपको कोई डोर पॉकेट्स नहीं मिलता है और आपको कोई स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली।
सीट्स के बारे में अगर बात करूं गाइस, एज आई सेड यू गेट फिक्स्ड हेडरेस्ट, एडजस्टेबल आपको नहीं मिलेगा। इस गाड़ी में सीट कवर पहनाया हुआ है, बट ओवरऑल सीट्स आप देख सकते हो, नॉट अ वेरी बैड क्वालिटी, वेरी गुड सीट्स। और इसका जो कवर है दैट इज ऑल्सो इन दिस परफोरेटेड फिनिश, सो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। सो नाउ लेट मी जस्ट सीट इन साइड। एस्प्रेसो में बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बिकॉज दिस इज वेरी टॉल। सो अभी डोर्स अगर मैं बंद करूँ, सो स्पेस आप देख सकते हो गाइस, द फ्रंट सीट जो है दैट इज पुश्ड ऑल द वे बैक, और आप देख सकते हो कितना लेग रूम मेरे पास है। आप देख सकते हो मेरा हाइट 6 feet है। सो एस्प्रेसो लोग क्यों खरीदते हैं, द वन थिंग इज द स्पेस दैट यू गेट। यहाँ पर बहुत लेग रूम आपको मिलता है। और एक जो चीज़ इस गाड़ी में बहुत अच्छा है इज दैट आपका जो पैसेंजर और जो आपका ड्राइवर सीट है उसके नीचे आप अपना फीट रेस्ट कर सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। और अंडर थाई सपोर्ट के बारे में अगर बात करूँ देन इट इज़ प्रीटी एडिक्वेट, ज़्यादा नहीं है कम भी नहीं है। मेरे हाइट के हिसाब से इट्स अ बिट लेस, बट अगर आपका हाइट मतलब 5'5", 5'6" ऐसा है देन आपको अंडर थाई सपोर्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सीट के विथ के बारे में अगर बात करूँ गाइज देन ऑब्वियसली दिस कार इज़ फॉर 2 people, सो इफ़ यू हैव अ स्मॉल फैमिली देन दिस कार इज़ फाइन फॉर यू। और 3 लोग यहाँ पर मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होगा बैठने में, मतलब शॉर्ट जर्नीस के लिए ठीक है बट लॉन्ग जर्नीस के लिए एब्सोल्युटली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और एक जो चीज़ यहाँ पर आपको बीच में सिर्फ यहाँ पर ये एक पॉकेट मिलता है, कोई एसी वैन तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली, बट यहाँ पर आप अपना बॉटल, आपका फ़ोन, वॉलेट ये सब आप रख सकते हो। फ़ोन मत रखिए, वॉलेट आप रख सकते हो। और सामने तो इस सीट्स में तो कवर है, मतलब सीट कवर है, सो यहाँ पर आपको पीछे पॉकेट मिल जाता है। और इसका जो रूफ है गाइस गाड़ी का दैट इज़ फिनिश्ड इन वाइट कलर। सो एक जो चीज़ है गाइस, अंदर से अगर मैं देखूं देन यू सीट वेरी हाई अप, क्योंकि एस्प्रेसो थोड़ा मतलब जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ ये थोड़ा क्रॉसओवर इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, सो ये थोड़ा जैक्ट अप है, सो आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ग्लास एरिया इज़ ऑल्सो प्रीटी बिग, सो दैट इज़ देयर। सो या गाइस, वेरी प्रैक्टिकल फ्रॉम द बैक, अगर आपका छोटा फैमिली है देन एस्प्रेसो इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अभी हेडरूम के बारे में अगर बात करूँ गाइस देन हेडरूम आप देख सकते हो, हेडरूम इज ऑल्सो प्रीटी गुड, आपका 3 उंगली तक जगह आपको हेडरूम में मिल जाएगा। सो ओवरऑल वेरी प्रैक्टिकल कार। नी रूम तो मैंने आपको दिखा दिया, सो मेरा हाइट 6 feet है। आप अपना हाइट के हिसाब से आप जज कर सकते हो कि आपका कितना हेडरूम आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल गाइस वेरी प्रैक्टिकल एट द बैक, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। सो सामने का लुक कुछ ऐसा है गाइस, सो अभी मैं सामने जाऊंगा और मैं आपको दिखा दूंगा सामने आपको इस वेरिएंट में क्या क्या मिल जाता है। सो सामने का डोर अगर मैं ओपन करूं देन दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू द रियर डोर, यू गेट दिस सिल्की सिल्वर एक्सेंट ओवर हियर। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलता है, स्पीकर का प्लेसमेंट एंड यू गेट अ पॉकेट ओवर हियर टू स्टोर योर फोन और योर डॉक्यूमेंट्स। और इसका जो डोर हैंडल है दैट इज फिनिश्ड इन ब्लैक कलर। सो सीट्स के बारे में अगर बात करूँ देन द सीट्स आर ऑब्वियसली आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल द सीट्स आर एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द न्यू ऑल्टो इफ आई एम ऑनेस्ट। सो बट हाँ, ओवरऑल सीट क्वालिटी इज गुड। इसका जो बोलस्ट्रिंग है दैट इज ऑल्सो प्रीटी गुड, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसको मैं अगर प्रेस करूँ अंदर देन आप बोलस्ट्रिंग यहाँ से भी आप देख सकते हो। सो ओवरऑल सीट इज नॉट बैड, और सीट कवर जो क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो प्रीटी नाइस। यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिल जाता है गाइस, यहाँ पर आपका जो आइडल सिस्टम है मतलब ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, उसका ऑन ऑफ करने का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इंटरनली एडजस्टेबल मतलब ऑटो एडजस्टेबल मिरर्स, ये जो मिरर्स है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो विद दीज बटन्स ओवर हियर, बट ये जो मिरर है ये आपको मैन्युअली फोल्ड करना पड़ेगा बाहर से। और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस, ये आपका नॉब सिस्टम है। सो ये मैनुअल वेरियंट है गाइस, AMT में भी आता है, सो ये मैनुअल है। तो 3 pedal आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा एक स्पेस मिल जाता है, यू कैन कीप योर कॉइन्स एंड ऑल ओवर हियर। सो अभी अंदर बैठते हैं गाइस, सो या लेट मी क्लोज द डोर। सो एज यू कैन सी, फर्स्ट इम्प्रेशन जो मैं बोलूँगा गाइस कि मुझे लग रहा है कि मैं कोई SUV में बैठ गया हूँ, क्योंकि दिस इज़ वेरी जैक्ड अप। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड ओवर हियर। अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, गाड़ी का इग्निशन मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। सो ये आपको कुछ की ऐसा मिल जाता है, सो वेरी सिंपल की, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड सेकेंड की जो है वो आपका नॉर्मल मिलता है, आपका उसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं है। सो अभी मैं इसको इग्निशन में अगर डालूँ देन एज यू कैन सी यहाँ पर आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये फायर अप हो जाता है, दिस इज टोटली डिजिटल। और यहाँ पर आपको ये 7-inch स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम मिल जाता है, इसके बारे में बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। सो अभी फर्स्ट इंप्रेशंस जो है स्टीयरिंग के बारे में अगर बात करूँ देन स्टीयरिंग इज वेरी सिमिलर टू द वन यूज्ड इन द मारुति इग्निस, देन द मारुति वैगनार, इवन द सेलेरियो ऑल्सो हैज द सेम स्टीयरिंग, सो वेरी वेरी गुड। यहाँ पर स्टीयरिंग कवर पहनाया हुआ है, सो दैट इज देयर, बट स्टीयरिंग का जो इनसाइड का जो पार्ट है दैट इज इन
मतलब नॉर्मल प्लास्टिक फिनिश आपको मिलता है। द बेस्ट थिंग अबाउट द एस्प्रेसो, इसका जो इंटीरियर है मतलब इसका जो डैशबोर्ड ये सब है ना, दैट इज़ वेरी वेरी मतलब थोड़ा फंकी लुकिंग डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी कलर में आपको यहाँ पर इंसर्ट्स मिल जाता है, सो ये ऑरेंज इंसर्ट है। वहाँ पर एसी वेंट के बाहर भी आपको वो बॉडी कलर में इंसर्ट मिल जाता है। यू गेट एयरबैग ओवर हियर, आपको यहाँ पर भी एयरबैग मिल जाता है। यू गेट डुअल एयरबैग्स। सो ओवरऑल डैशबोर्ड जो है ना उसमें आपको बहुत कट्स एंड क्रीसेस मिलेगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पर भी आपका सब कट्स एंड क्रीसेस है, और ओवरऑल क्वालिटी इज गुड। मतलब इस प्राइस पॉइंट में आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इन दिस प्राइस पॉइंट। यहाँ पर आपको ये हेक्सागोनल टाइप आपको यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाता है, और यहाँ से आप अपना ये ब्लोअर ये सब कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक शेल्फ मिल जाता है, यू कैन कीप योर फोन ओवर हियर, जो मतलब को पैसेंजर है। ग्लव बॉक्स इज प्रिटी एडिक्वेट, मतलब कार पेपर्स यहाँ पर आपका फिट हो जाएगा, बट ज़्यादा मतलब बड़ा बॉटल ये सब आप यहाँ पर फिट नहीं कर पाओगे, सो दैट इज़ देयर। और द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द एस्प्रेसो इज दिस पार्ट, यहाँ पर भी ये पूरा मतलब ये सेमी सर्कल एक डिज़ाइन आपको मिलता है यहाँ पर, सो एज यू कैन सी, एंड यू गेट द टच स्क्रीन सिस्टम ओवर हियर। सो इसके बारे में बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। यहाँ पर आपको पावर विंडो का कंट्रोल्स मिल जाता है फॉर द फ्रंट टू विंडोज, और यहाँ पर हैजर्ड लाइट का स्विच है। यहाँ पर आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाता है, यहाँ पर यू गेट मैनुअल एसी, ऑटोमेटिक एसी आपको कोई भी वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ब्लोअर कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर आपका कहाँ पर एयर भेजना चाहते हैं उसका कंट्रोल, दिस इज योर मतलब टेम्परेचर कंट्रोल है, दिस इज टू स्विच ऑन योर ऑफ योर एसी, और यहाँ पर आपका एयर सर्कुलेशन का आपको यहाँ पर लीवर मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है, एंड ओवर हियर यू गेट ऑक्स केबल मतलब ऑक्स इनपुट एंड ए यूएसबी टाइप ए सॉकेट, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक मतलब एक शेल्फ, सो कि यू कैन कीप योर फोन ओवर हियर, वॉलेट आप रख सकते हो। यू गेट डुअल कप होल्डर्स ओवर हियर, आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, यू गेट इन AMT ऑल्सो, और यहाँ पर आपको एक मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाता है। ऑब्वियसली यू डोंट गेट एनी मतलब आर्मरेस्ट ओवर हियर। IRVM के बारे में बात करूँ देन इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक एडजस्टेबल, तो आपको मिलेगा भी नहीं, बट ये आपका मैनुअली एडजस्टेबल भी नहीं है, बट ये आपका छोटा है, बट ओवरऑल विजिबिलिटी इज़ गुड। विजिबिलिटी के बारे में बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। यहाँ पर आपको एक कैबिन लैम्प मिल जाता है अलॉन्ग विद द ब्लूटूथ माइक्रोफोन रिसीवर ओवर हियर। यहाँ पर आपको वाइजर में कोई लाइट या फिर कोई मिरर नहीं मिलता है, और यहाँ पर भी आपको कोई लाइट या मिरर आपको नहीं मिलेगा। अभी इसके बारे में बात करते हैं गाइस, द इंफोटेनमेंट सिस्टम। नाउ दिस इज़ वेरी सिमिलर, एवरीवन नोज दिस, दिस इज़ द स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम। सो ये बहुत अभी तो सब मारुति कार्स में भी है, ओनली द हायर एंड कार्स गेट द स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम। सो ये जो है दिस इज़ वेरी गुड, काम चल जाता है गाइस। आपका गाड़ी का जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए यहाँ पर दिखा देता है। यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस मेनू मिल जाता है, यहाँ से आप डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो शॉर्टकट्स, और उस हिसाब से आपका गाड़ी मतलब आप कनेक्ट कर सकते हो। यू गेट एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले ऑन दिस कार, सो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको मास्टर कंट्रोल्स मिल जाता है, सेटिंग्स आप देख सकते हो, सो सेटिंग्स आप टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, वेरी वेरी नाइस। सो इसका कोई शिकायत मुझे तो नहीं है। एक जो चीज़ है, आप अगर कोई मारुति शोरूम में जाएंगे तो आप खुद ये चेकआउट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका रिस्पॉन्स ये सब कैसा है। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करते हैं गाइस। नाउ ये तो अभी दिस इज द वन विच इज नाउ बीइंग यूज्ड ऑन द ऑल्टो K10, द न्यू ऑल्टो K10। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज एन ऑल डिजिटल यूनिट। यहाँ पर आपको स्पीडो मिल जाता है आपका डिजिटल में, यहाँ पर आपको छोटा सा एक MID मिल जाता है, ये आपका टेलटेल लाइट्स है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका फ्यूल गेज, यहाँ पर भी आपको टेलटेल लाइट्स मिल जाता है। ये जो है इसको आप इस बटन के साथ कंट्रोल कर सकते हो। सो यहाँ पर एज यू कैन सी अभी तो दिखा रहा है इसका ऑटो रीडिंग दिखा रहा है, इसको अगर मैं फिर से प्रेस करूँ देन ट्रिप ए, दिस इज योर ट्रिप बी, ये आपका रियल टाइम में किलोमीटर पर लीटर कितना है वो दिखा रहा है, दिस इज योर एवरेज 12 किलोमीटर पर लीटर, रियली नाइस। और यहाँ पर आपका रेंज दिखा रहा है, और ये आपका फिर से ऑटो रीडिंग। सो ओवरऑल वेरी मतलब इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको जो जो चाहिए इस गाड़ी में आपको मतलब इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको पता चल जाएगा। सो उसका कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। एक जो चीज़ है गाइस, इस गाड़ी में आपको कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, यू ओनली गेट अ रिवर्स पार्किंग सेंसर। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है, सो या दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। मुझे एक जो चीज़ इस गाड़ी में वियर्ड लगता है ना, दैट इज़ कि अगर आप चलाएंगे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बीच में है, यहाँ पर नहीं है, एंड आई एम नॉट यूज टू कार्स मतलब ड्राइविंग कार्स विच हैज़ अ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवर हियर। सो मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट ऑब्वियसली जो लोग ये गाड़ी खरीदेंगे उन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीट्स के बारे में अगर बात करूँ देन द सीट्स आर कम्फर्टेबल, फ्रंट सीट्स मतलब अंडर थाई सपोर्ट इज़ ओके, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, सो या इट्स फाइन ओनली, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाला है।
एंड ओवरऑल साइड पोस्टिंग इज प्रीटी गुड, मतलब एवरेज, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, सो आपका काम आराम से चल जाएगा। विजिबिलिटी के बारे में बात करूँ, साइड मिरर्स का विजिबिलिटी इज प्रीटी गुड, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये कॉम्पैक्ट गाड़ी है, सो वैसे भी आपको ज़्यादा बड़ा मिरर्स भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इस गाड़ी में, बट ओवरऑल विजिबिलिटी इज़ गुड। पीछे का भी विजिबिलिटी इज एब्सोल्युटली ग्रेट, आप देख सकते हो पीछे का जो विंडशील्ड है दैट इज प्रीटी गुड, और आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाला है। एक जो चीज़ है गाइस, आपका इस गाड़ी में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से भी आपका विजिबिलिटी है और वहाँ से भी आपको विजिबिलिटी आराम से दिखेगा। सो ओवरऑल वेरी प्रैक्टिकल कार फ्रॉम द इनसाइड, और उस साइड का भी विजिबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इस ये मेरा ड्राइविंग पोजीशन है, मतलब इस हाइट से मैं देखता हूँ रोड को। सो आप देख सकते हो आपका बोनेट आप आराम से देख सकते हो, वहाँ का भी आप कॉर्नर देख सकते हो और वहाँ का भी कॉर्नर आप देख सकते हो। सो इन दिस एस्पेक्ट जो लोग मतलब अभी हाल ही में ड्राइविंग सीखे हैं, आई विल से दैट इन कंपैरिजन टू सेलेरियो एंड ऑल, इसका प्रैक्टिकल ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग नया गाड़ी सीख रहे हैं दे नीड समथिंग, मतलब कॉर्नर जज करने के लिए, ये सब करने के लिए एस्प्रेसो इज़ द परफेक्ट कार फॉर देम। सो मैं अगर बोलूँगा कि अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो देन आप एस्प्रेसो आप कंसिडर कर सकते हो इफ़ यू आर मतलब लुकिंग फॉर अ न्यू कार टू बाय। सो गाइज दैट वॉज माई इंटीरियर रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2022 मारुति सुजुकी एस्प्रेसो VXi प्लस वेरियंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंटीरियर रिव्यू अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, बिकॉज इट विल रियली हेल्प द चैनल एंड ऑल्सो द वीडियो। और मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपको एस्प्रेसो कैसा लगता है एज अ कार, और इसका माइलेज कितना देता है, एवरेज कितना आपको मिल रहा है, और इसका सर्विस कॉस्ट आपको कितना आया। और अगर आपको ये गाड़ी मतलब खरीदना है देन डू लेट मी नो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर उसको आंसर कर दूंगा। सो गाइज दैट वॉज माई वीडियो ऑन दी ऑल न्यू 2022 मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक विच इज द थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग्स इफ यू आर लुकिंग फॉर एन एंट्री लेवल कार। एंड जो लोग हाल ही में गाड़ी सीख रहे हैं दिस इज द परफेक्ट कार फॉर देम, बिकॉज ये थोड़ा जैकटअप है, आपको विजिबिलिटी अच्छा मिलता है, सामने का भी विजिबिलिटी बहुत अच्छा है। सो वेरी वेरी प्रैक्टिकल कार इन दैट एस्पेक्ट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर मतलब फॉर योर फर्स्ट कार देन एस्प्रेसो इज अ वेरी गुड ऑफरिंग विच मारुति इज ऑफरिंग। और अगर आपको ये गाड़ी चेकआउट करना है देन डू कम टू दिस शोरूम गाइज, दिस इज सिचुएटेड एट न्यू टाउन राजरहाट। सो द लिंक टू दिस शोरूम विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको क्लिक करिए और आराम से यहाँ पर आ जाइए और आपका फेवरेट मारुति कार आप आराम से चेकआउट कर लीजिए। सो गाइज दैट वॉज माई वीडियो फॉर टूडे, आई विल श्योरली सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन चाओ।